हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे. और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज. देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जो एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रैक्टिस के लिए आपके डिस्प्ले किया हुआ है, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाए. ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ रूट थ्री sec x माइनस टू इक्वल टू जीरो. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्वेश्चन है. तो रूट थ्री sec x माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस कैन बी रिटन एज sec x इक्वल टू टू बाई रूट थ्री. अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sec को हम कन्वर्ट कर देते हैं cos में, करेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू रूट थ्री बाई टू. रूट थ्री बाई टू cos pi बाई सिक्स में होता है, करेक्ट है? ठीक है, cos pi by 6 में होता है. अब यहाँ से x मिल जाएगा 2n pi plus minus pi by 6. ये तो हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, ये बन गया आपका जनरल सॉल्यूशन. और हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करना है. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपका 0 और 2 pi के बीच में होता है. ठीक है ना? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहाँ होएगा, 0 और 2 pi के बीच में. ठीक है, इस इंटरवल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है. तो आप क्या करो, n को 0 पुट अप कर दो, तो x क्या आ जाएगा, प्लस पाई बाई सिक्स या माइनस पाई बाई सिक्स. माइनस का तो कोई इश्यू नहीं है, हमको किसके बीच में देखना है, जीरो और टू पाई के बीच में देखना है, करेक्ट है? फाइन. तो स्टूडेंट्स, ये एक हो गया. अब क्या करेंगे, n को 1 रख देंगे. n को जब आप 1 रखेंगे, n को 1 रखेंगे तो x हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स. देखिए, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स तो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं. हमको 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई सिक्स. तो पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करेक्ट है? तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है. और अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये SOT से, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स. एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अगर आप लोगों में से कोई भी मेंस का, तो हमने रिवीजन सीरीज बना लिया है. अभी हम स्टेट बोर्ड्स का रिवीजन सीरीज भी कुछ कर रहे हैं, जितने पॉसिबल है उतने कर देंगे. लेकिन अगर एडवांस के लिए रिवीजन सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये SOT के ऊपर है. इन अ ट्राइंगल ABC इफ कोसाइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन टू साइन सी, देन ट्राइंगल ABC. देखिए, इसमें कोसाइन रूल भी यूज करना है और साइन रूल भी यूज करना है. क्या दिया हुआ है, cos of a इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन टू साइन सी. कोसाइन रूल से ये बनेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टू बी सी, और ये बन जाएगा बी अपॉन टू सी. यहाँ पे मैंने ये तो ठीक है कोसाइन रूल यूज किया, और ये मैंने साइन रूल यूज किया. साइन रूल कैसा होता है, देखिएगा, ए अपॉन साइन ए बोलिए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ से अगर आप साइन बी अपॉन साइन सी निकालना चाहते हो तो डेफिनेटली वो बी बाई सी आ जाएगा, करेक्ट? फाइन. तो बस हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्व हो गया है. आप यहाँ से टू को कैंसिल कर दीजिए, सी को कैंसिल कर दीजिए, तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये भी कट गया. तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, सी इक्वल टू ए. सी इक्वल टू ए मतलब ये है आइसोसेलस ट्राइंगल है. ठीक है, तो सिंपली आपको कोसाइन रूल क्या है और साइन रूल क्या है, इसके ऊपर ये बेस्ड प्रॉब्लम था. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तीसरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से था, सेकंड SOT से था, और ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से. क्या क्वेश्चन बोलता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स, टू एक्स निकालो. तो इसको क्या करो, साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स, करेक्ट है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस मतलब टू साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस पाई बाई टू उधर ले लीजिए, प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स, ये थ्री पाई मतलब फोर पाई बाई सिक्स, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई बाई थ्री, और ये बना 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 टू कैंसल, तो साइन इनवर्स एक्स मिला पाई बाई थ्री, तो एक्स मिल जाएगा साइन पाई बाई थ्री, मतलब रूट थ्री बाई टू. एक्स आ गया रूट थ्री बाई टू, ऑप्शन नंबर बी. और फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि वहां पे मिसप्रिंट है,
जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड ने डिस्प्ले किया है उसमें थोड़ा सा आंसर में मिसप्रिंट है। अगर ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स का जो रेंज है ना, साइन इनवर्स का रेंज वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, करेक्ट है। तो आपको मालूम है कि sin π/6 ये होता है 1/2, करेक्ट है। तो साइन इनवर्स 1/2 जो होगा वो π/6 होगा, और जो डेफिनेटली -π/2 और π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में है, करेक्ट है। तो इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया π/6, करेक्ट। इसी प्रकार से एक फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें जो मैं अभी लिख देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द प्रिंसिपल, फिफ्थ वाला प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। अब इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है, तो कॉस इनवर्स में एंगल में अगर माइनस है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब हो जाएगा यहाँ पे π/3, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2π/3। अब ये 2π/3 इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है, इसका रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to π होता है, बिलोंग्स टू 0 to π। यस, ये 60 डिग्री है और ये 2 है, मतलब वही 120 डिग्री, डेफिनेटली 0 और 180 डिग्री के बीच में। तो 2π/3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस। और ये रहा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से है। इन्हें ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, और हमको रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है, मतलब आपको साइड रूल यूज करना है, ठीक है। साइड रूल्स के बेस पर आपके पास में रेशियो ऑफ साइड्स इस प्रकार से देते हैं, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी, करेक्ट। ये रेशियो को हमको फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ ए मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ बी मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री। अगर ए और बी मालूम है तो एंगल सी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, 60 डिग्री √3/2 और साइन 91। अब ये रेशियो आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये बन जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। तो 1:√3:2, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये सिंपली आपके साइन रूल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। 7 देखते हैं। देखिए एमसीक्यूज बेस्ड प्रॉब्लम बोर्ड में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन होंगे और ईच एमसीक्यूज 2 मार्क्स का होगा। तो 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये आपके मेंस के प्रिपरेशंस के लिए भी हेल्पफुल होंगे, ये तो श्योर है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ए बी सी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोसाइन ऑफ ए की बात कर रहा है, तभी एंगल ए पूछा है। तो देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ए स्क्वेयर है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 BC होना चाहिए, यहाँ पे पहले से ही BC था, इस BC को यहाँ ला देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। आप रीअरेंजमेंट कैसे किए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपने मैंने अभी आपको बताया, हो गया बराबर। अगर 2 BC को यहाँ लेके जाते हैं, 2 BC को यहाँ ले, 2 2 कैंसिल होगा, BC आ जाएगा ना, कोई इश्यू नहीं है। और ये पूरा का पूरा आपका कोसाइन ऑफ ए है 1/2, कोसाइन ऑफ ए 1/2 है। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप ट्राइंगल्स में बात करते हो, ट्राइंगल्स में एंगल्स मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है, मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है। तो आप इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो एंगल ए जो होगा यहां से पता चल गया, एंगल ए कॉस 1/2 का में होता है, π/3 में होता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, π/3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और ये 8 क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल है, पोलर कोऑर्डिनेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो बताता हूँ। ये पॉइंट जिसकी की कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होता है ये एक्स होता है और ये डिस्टेंस होता है ये वाई, और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, करेक्ट है।
ओके, अब आप देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि ये डिस्टेंस अलग है आर, और ये एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है उसको हम लिखते हैं थीटा। तो इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो पहले है एक्स कॉमा वाई थे, अब हम लिख सकते हैं इसको आर कॉमा थीटा में, ठीक है कि नहीं। अब आर कॉमा थीटा में इसके कोऑर्डिनेट्स है, मतलब यहां से एक बार समझ में आती है कि आप कॉस थीटा लगाते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस कर देते हैं, एडजेसेंट में एक्स है हाइपोटेनियस में आर है, मतलब एक्स आर कॉस थीटा हो जाएगा, और सिमिलरली वाई जो होता है वो आर साइन थीटा होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो अब देखिए ये पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए है, पोलर कोऑर्डिनेट दिए मतलब पी आर कॉमा थीटा दिया हुआ है, मतलब आर का वैल्यू पता चल गया, आर का वैल्यू है 3/4 और थीटा का वैल्यू है 3π/4, करेक्ट, ये हो गया। अच्छा अब आपको उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है एक्स कॉमा वाई में, तो एक्स कैसे आएगा आर इंटू कॉस थीटा, एक्स हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा 3/4 कॉस ऑफ 3π/4, कॉस ऑफ 3π/4 को कैलकुलेट करो तो कॉस ऑफ π-π/4 ये होगा, π-π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, करेक्ट है। तो ये हो गया -3/4 cos π/4, cos π/4 कितना होता है 1/√2 होता है, ये हो गया -3/4√2। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -3/4, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये सी और डी ऑप्शन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट -3/4√ है वो हो सकता है। अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट तो वैसे ही निकलेगा आर साइन थीटा 3/4 साइन ऑफ 3π/4, वो भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये साइन ऑफ 3π/4 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, ओके फाइन। साइन ऑफ π-π/4, अब π-π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का कोई इशू नहीं, साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हो जाएगा 3/4 साइन π/4 मतलब 3/4 इंटू √2, 3/4√2 ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन है कि आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, किस प्रकार का ये फंक्शन है उसके ऊपर है, टैन इनवर्स ऑफ टैन 7π/6। देखिए टैन इनवर्स ऑफ टैन 7π/6 है ना, तो आपको सबसे पहले टैन इनवर्स की रेंज मालूम हो, तो टैन इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन ये होती है 0 to −π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, −π/2 to π/2 में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसको काट देते आप, टैन इनवर्स ऑफ टैन ऐसे लिख दिए 7π/6, तो ये 7π/6, 7π/6 मतलब 7 × 30 210, जबकि आपको 90 के अंदर में चाहिए, ये 7π/6 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। खैर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको, क्योंकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप लिखिए टैन इनवर्स टैन और ये पाई प्लस पाई बाई सिक्स होगा, तभी 7π/6 होगा, करेक्ट है। अब आते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स टेन है तो टेन ही रहेगा, लेकिन पाई प्लस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, करेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाई सिक्स, और अब यहाँ कोई इशू नहीं है, अब ये डायरेक्टली पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, पाई बाई सिक्स लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी किसके बीच में है, −π/2 और π/2 ओपन इंटरवल में, तो फाइनली इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में आप सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली मिस प्रिंट है, जिस जो क्वेश्चन आपके बोर्ड ने डिस्प्ले किया है उसमें मिस प्रिंट है क्वेश्चन, एक्चुअली में ऐसा है, साइन ऑफ फिर ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, आपके यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 ये हो गया, और फिर प्लस अलग कर दिया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, करेक्ट है, फाइन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, और अब ये क्वेश्चन सही है,
देखिए साइन ऑफ ये पूरा एंगल हो गया दैट इज इक्वल टू वन, तो इसका मतलब ये पूरा जो एंगल है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये पूरा का पूरा पाई बाई टू होगा। और इसमें अब वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ से इसका मतलब एक्स जो होना चाहिए वो 1/5 होना चाहिए। सिंपल ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थी एमसीक्यूज जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर सॉल्व किए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स तीनों टॉपिक्स कवर हो गए।